जो मैं पूजा और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, हम एमपी बोर्ड का जो चैप्टर दो है, क्लास 3 चैप्टर 2, दिस इज माय, इसकी हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर के बारे में मैंने इससे पहली वाली वीडियो में आप सभी को पढ़ना सिखा दिया है और समझा भी दिया है। तो चलिए अब हम इनके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न दिया है ए वर्ड पावर। वर्ड यानी क्या होता है? शब्द, ठीक है। वो पावर शक्ति या सामर्थ्य, तो वर्ड पावर है। अरेंज द लेटर टू राइट नेम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट, मतलब जो ये लेटर दिए हैं ये इनको सही क्रम में जमाना है। ये जो वस्तुओं के नाम है इनको हमें क्या करना है? सही क्रम में जमाना है, मतलब ये इन्होंने गलत लिख दिए हैं तो हमें इनको सही करना है। तो देखो यहाँ पे जैसे एन ई एच, तो इसका क्या हो जाएगा? एच ई एन। हैनमिस क्या होता है? मुर्गी। हैनमिस होता है मुर्गी। इस तरह यहाँ पे क्या दिया है? बुक। तो यहाँ पे हम बुक की स्पेलिंग लिख लेंगे BOOK। तो ये बुक की स्पेलिंग लिख ली है। इधर हम बैग की स्पेलिंग लिखेंगे इसी तरह से BAG, बैग। ये गलत दिया है। अब हम आगे चलते हैं। तो देखो LABL, अब ये गड़बड़ है तो इसको भी हम सही करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? BALL, बाल। बाल मीन्स गेंद। इसी तरह यहाँ पे हम लिखेंगे पेंसिल। पेंसिल दी है तो पेंसिल की स्पेलिंग इधर लिखेंगे PENCIL, पेंसिल। मतलब ये स्पेलिंग गलत दी है, इसको हमें सही करके लिखना है। तो ऐसे ही यहाँ पे NPE, तो इसका क्या हो जाएगा? PEN, पेन। इसी तरह से यहाँ पे फ्रॉक की लिखेंगे हम स्पेलिंग FROCK, फ्रॉक। तो चलिए बच्चों, अब हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं इसके। देखिए दूसरा दिया है कॉम्प्रेहेशन क्वेश्चन, यानी बोध प्रश्न, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक विथ द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन इन द पिक्चर, मतलब ये पिक्चर दी हुई है, इसमें इनके नाम लिखना है हमको। तो देखिए पहले क्या दी है? गुड़िया। तो गुड़िया का हम लिखेंगे डोल। डोल मीन्स गुड़िया। इधर बुक की स्पेलिंग लिखेंगे दिस इज माई बुक। बुक का चित्र है तो बुक की स्पेलिंग लिखेंगे, यह मेरी पुस्तक है। दिस इज माई बॉल, क्या दिया है? बॉल दी है तो बॉल लिखेंगे इधर। दिस इज माई पेंसिल, PENCIL, पेंसिल। दिस इज माई फ्रॉक, FROCK, फ्रॉक। और दिस इज माई बैग। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न तीसरे पर आते हैं। कि बच्चों हम प्रश्न तीसरे पर आते हैं। लेट्स राइट, आओ लिखें लुक एट द पिक्चर, मतलब यह पिक्चर देखो, ठीक है। लुक एट द पिक्चर, यह पिक्चर देखो। राइट द सेंटेंस, और लिखना है हमको वाक्य। सेंटेंस में से होता है वाक्य। एंड स्पीक देम अलाउड, और उसे बोलो। स्पीक यानी होता है बोलना। देखो इस तरह से हम कर सकते हैं इसको। दिस इज माई बॉल, दिस इज माई काइट। काइट मीन्स क्या होता है? पतंग होता है। ऐसे दिस इज माई बुक, दिस इज माई डॉल, दिस इज माई बेट। इसी तरह से हम यहाँ पे बना लेंगे। तो आप देखिए दिस इज माई बॉल, तो मैं आपको यहाँ पे ये बना के बताती हूँ। तो देखिए बच्चों, इस तरह से हमने यहाँ पे कर लिया है। दिस इज माई बॉल, दिस इज माई काइट। काइट मीन्स क्या होता है? पतंग। दिस इज माई बुक, दिस इज माई डॉल, दिस इज माई बेट। लेट्स डू इट, आओ इसे करें। ड्रा द पिक्चर ऑफ सम क्लासरूम ऑब्जेक्ट एंड राइट देयर नेम, कक्षा में पाए जाने वाली वस्तुओं के चित्र बनाना है, उनके नाम लिखना है। वह नाम आपको इंग्लिश में लिखना है। तो यह आप स्वयं करेंगे बच्चों। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई चैप्टर लेसन 3 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।